हेलो एरीज वेलकम बैक टू चैनल डिवाइन बबल तो कैसे हैं आप सब अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल डिवाइन बबल विद मी सुष्मिता मैं यहाँ पे करती हूँ आपके लिए मंथली मिड मंथ्स और पिकअ कार्ड रीडिंग्स मेरे साथ आप प्राइवेट रीडिंग भी बुक कर सकते हैं चेकआउट में डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ई है और अगर आप इंडिया के बाहर भी मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है पूरी तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए एरीज शुरू करते हैं आपके लिए हम निकाले तीन कार्ड्स ये कोई रोमांस या करियर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है जनरल मैसेजेस की रीडिंग है जैसे जैसे मैसेजेस आते जाएंगे वैसे मैं आपको देते जाऊंगी मैं कोई एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस नहीं करने वाली हूँ इन मिड मंथ तो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी है एरीज फॉर दी मंथ ऑफ अक्टूबर मिड फिफ्टीन से लेकर थर्टी तक देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज थोड़े से कार्ड अभी फ्लिप हो के नीचे गिर गए हैं लेट मी पिक अप फॉर यू थोड़े से बहुत ज्यादा तो लेट मी पुट दम बैक एंड शफल करते हैं हम सो सॉरी एरीज एरीज मिक्टोबर इन एंजल्स थैंक यू वेरी मच एरीज के लिए फर्स्ट कार्ड है मेरे पास थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन पार्टी एम्प्रेस गुड थ्री ऑफ ओके थ्री की एनर्जी है और नीचे देखो तो क्या है मेरे पास एरीज नॉट सो गुड एनर्जी सेवन ऑफ सोट्स थोड़ा सा केयरफुल रहना मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा थेफ्ट थोड़ा सा चीटिंग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है आप इंजॉयिंग के मूड में हैं नर्चरिंग मूड नर्चरिंग है केयरिंग uh, है, है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के मूड में है लेकिन आपको केयरफुल रहने का मैसेज आ रहा है बिकॉज आई सी दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स फॉर यू कोई तो पॉजिटिव चीज़ है जो आपकी तरफ ग्रेजुअली आ रही है आपको लगता है आपकी लाइफ में आने वाली है एक पॉजिटिव टर्न पॉजिटिव टर्न तो डेफिनेटली आने वाला है बट यू नीड टू बी केयरफुल यहाँ पे आपको चेतावनी दी जा रही है अबाउट समथिंग क्योंकि इस ग्रुप में जिसके साथ आप हैं जिसके साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं इन्हीं में से कोई एक ऐसा है जो आपकी तरफ नहीं है पूरी तरीके से दे माइट क्रिएट सम ट्रबल तो अपनी आंखें भी खुली रखिए कान भी खुले रखिएगा एरीज रेस्ट लेट्स कि आपके लिए का क्या मैसेज है एंड आई हैव लेट मी रीड दिस फॉर यू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कुछ तो ऐसी चीज है लुक इन टू योर हार्ट एंड यू विल नो द ट्रूथ ऑफ दिस सिचुएशन आपको मालूम है कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कहाँ पे क्या है खुश तो हैं आप ऊपर से दिखा रहे हैं लेकिन मन में आपको पता है इट्स सेफ टू एडमिट द द ट्रूथ टू योर सेल्फ और वी विल सपोर्ट एंड गाइड यू थ्रू असरी चेंजेस लर्न अपॉन अफर करेज एंड द स्ट्रेंथ टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ आपको ध्यान रखने की जरूरत है कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड आपको मालूम है सबकॉन्शियस माइंड को आपके पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है किस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आप थोड़ा सा पार्शल हैं उनकी तरफ से हो सकता है कि आप कोई फैमिली मेम्बर हैं कोई दोस्त है जो बहुत ही करीबी हों बट उनके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपके पास है आपको मालूम है एंड यू आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन इट आप उसके ऊपर एक्शन ही ले रहे हैं बिकॉज आप थोड़े से पार्शल हैं विद एम आई विल से ए रिज आप केयरफुल रहें यू नो इट यू कैन सॉल्व इट आई यू कैन गेट थ्रू इट ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बस एडमिट करना है खुद को कि हाँ ऐसा भी हो सकता है एंड आई सी रेस्ट थिंग्स विल बी गुड फॉर यू मिड अक्टूबर में तो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ बाय